तुलसी नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा। वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उनके पिता मोहित बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपने घर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता और बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। और मोहित घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस घर आकर फिर से काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। मोहित भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन उनके चाचा चाची उनसे मिलने आते हैं। अरे भैया, आपने क्या हालत बना रखी है? हाँ भाई साहब, देखो तो जरा, दीदी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली है आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भाई साहब। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया अकेले कैसे रहेगी? तो फिर तुम ही बताओ क्या करूँ। मैं गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता, और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है, और नौकरी पर जाना भी तो जरूरी है। अरे बड़े भैया, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी, फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भाई साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए। उनकी बातें सुनकर मोहित रजनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रजनी की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। रजनी, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो। जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं तुलसी को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूँगी। उसके बाद मोहित रजनी और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बहुत प्यार करेगी बेटा। ये सुनकर तुलसी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो रजनी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी प्रियंका बहुत ही जिद्दी लड़की थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो, मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान हट ही गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूंगी, उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और घर की इकलौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लग जाती है। कुछ दिनों बाद रजनी अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। सुनकर मोही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये खेलना कूदना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम तो मुझे कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद तुलसी घर के कामों में लग जाती है। सारा दिन वो घर का काम करती और रजनी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देती। माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूंगी, उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आप मुझसे कितना काम करवाते हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है, कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है। रजनी तुलसी को एक जोरदार चांटा मारती है। कलमोही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे। निकल जा मेरे घर से। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए माँ। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का सारा काम तू करेगी, और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? तुलसी सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी, बदले में दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन तुलसी का जन्मदिन था,
उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास जाती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रही है, चली जा यहाँ से, चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर आप मुझे दे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तो इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ, कैसे जिद कर रही है ये। इसकी पिटाई करो और इससे छीन के ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती है और तुलसी से उसकी वो ड्रेस छीन लेती है। तुलसी अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ, काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली माँ। तभी वहाँ पर तुलसी की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़कर जाना पड़ा। माँ देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ आप बहुत अच्छी थी, ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उन दोनों माँ बेटी की बहुत पिटाई करती है। थोड़ी देर में प्रियंका वहाँ पर तुलसी की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी ये देखो, मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी प्रियंका के पास जाती है और उसकी भी बहुत पिटाई करने लगती है। आ माँ, ये क्या हो रहा है। माँ, ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है। अरे पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से यहाँ बैठी हुई थी, साड़ी मेरे पास आई और मेरी भी पिटाई करने लग गई। आ माँ, आ मत मारो, हमें बचाओ, बचाओ कोई, हमें कोई बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर तुलसी वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो माँ। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है और उसके बाद जादुई साड़ी से तुलसी की असली माँ प्रकट हो जाती है। तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर तुलसी की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और तुलसी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।